ये वीडियो मैं इस लाइन से शुरू करना चाहता हूँ कि देश चुनौतियों से तो निपट सकता है। हमारे पास बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पास बहुत ही अच्छी पुलिस है, हमें बहुत ही अच्छी आर्मी है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब है, हर व्यवस्था होते हुए भी पॉइंट तो यहीं फंसता है कि चूतियों से कैसे निपटा जाए। कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो रोड पर निकलना बंद ही नहीं कर रहे हैं, और उनका तर्क तो देखो। अच्छा चलो तर्क भी छोड़ो, पुलिस अगर किसी तरीके से फोर्स का इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश कर रही है, तो कहीं अगर पुलिस एक दो कोने में फंस जा रही तो क्या ये लोग इस हद तक उतर आएंगे कि उनको मारेंगे पीटेंगे और उस एरिया से भगा देंगे? वो पुलिस दिमाग के दिल के किस कोने तक उसको जाके गहरी चोट लगेगी कि जिस देश को बचाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खुद खतरा मोल रहा हूँ, ये लोग मुझे मार पीट के भगा रहे हैं, उसका मोराल कितना डाउन हो जाएगा? वो कभी करना चाहेगा कहीं, चाहे कहीं भी पोस्टिंग हो उसकी? मैंने किसी वीडियो के लिए बहुत बड़ी नहीं रखे जानबूझ के, क्योंकि हम कोई भी देखेगा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी क्लिप ये है कि एक आदमी जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, मुसलमान थे वो लोग, और मैंशन इसलिए कर रहा हूँ, उसका रीज़न है पुलिस ने नॉर्मली बातचीत की है जहाँ तक पता चल रहा है, बातचीत की गाली गलौज की मुझे नहीं पता, बात बात ही कर रहा है पुलिस वाला, मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में उसने हाथ उठाया। अगला बजाय इसके कि चुपचाप जाए, सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, वहाँ से चला जाए, उसने बहस की, ये भी दिख रहा है। उसके बाद पुलिस वाले को गुस्सा आया, वो कॉलर पकड़ के घसीटा, आपको वीडियो में दिखेगा, और आपको वीडियो साइड में चलते हुए दिख रही है। ऐसा करने के बाद मैं अभी आपको ऑडियो ऑन कर दूंगा, आप आगे से देख सकते हैं। ऐसा करने के बाद पूरी क्राउड आती है शोर करते हुए कि कैसे ऐसा कर दिया, तो क्या मैं ये ना मानूं कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था जिस बात का वो लोग फायदा उठा रहे थे, और क्या मैं ये ना मानूं कि इनको कोई सिक्योरिटी से मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपनी दादागिरी गुंडागिरी करनी है, और अपने उम्मा के कॉन्सेप्ट को जिंदा रखते हुए कानून व्यवस्था भाड़ में गई? क्या और हजारों लोग रोज नहीं पिट रहे? क्या उनके लिए बाकी जनता रोड पे आके पुलिस को पीटने लग जाए? आए दिन देख रहा हूँ लोग मजा ले रहे हैं कि एक पिट रहा, दूसरा पिट रहा। ठीक है भाई, तुम बाहर निकलोगे, भारत को एक तरीके से तुम खतरे में ला रहे हो ना अपने आप को रोड पे लाके। कब कौन सी चीज़ को तुमने छूने से, किसी से मिलने से कुछ हो जाए, तुम्हारे चक्कर में 10 लोगों को और फैल जाए, तो ये तो पूरी चेन बन जाएगी। जो लॉकडाउन हो रहा है चेन को तोड़ने के लिए तुम चेन बना रहे हो, और उसके लिए पुलिस काम कर रहे हो, तुम उसको पीटोगे, तो ये क्या है? मैं सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ, और इस वीडियो को अगर कोई शेयर कर सकता तो प्लीज़ करे, कि ये जो हरकत हो रही है इस वीडियो में, इन दोनों वीडियोज में, ये कब तक चलेगी? एक लड़की ने तो पुलिस वाले के उस पे शर्ट पे थूक दिया सिर्फ इसलिए कि वो डराना चाहती थी, वो कोरोना के लिए वो बचा रहा था, शायद कलकत्ता का केस है, उसने थूक दिया लिटरली। अब उस लड़की को हुआ हो तो उसको भी तो हो जाएगा, मतलब क्या मैं बोलूँ ऐसे लोगों पे? तो अगर पुलिस वाला हाथ छोड़ देता तो पुलिस वाला ही गलत हो जाता। इतनी पावर दी क्यों है महिलाओं को, और इतना कमज़ोर बनाया क्यों पुलिस वालों को? ऐसे समय पे ना गोली चला सकते हैं, ना हाथ उठा सकते हैं। कम से कम वो जो क्राउड वाली सिचुएशन थी वहां पे एक आध गोली तो मार सकता था वो, उसकी जान पे बनाई थी, पता नहीं उसके पास दी भी थी कि नहीं गोली। दंगाइयों से निपटने के लिए, बदतमीजों से निपटने के लिए देशद्रोही हैं एक तरीके से लोग। गन कब तक लोग बैग में रखेंगे बताओ? कोई ये गन घर पे छोड़ के आने की चीज है? आप एक वॉर जोन में उतर रहे हैं और गन आपके पास है ही नहीं। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, अगली बार लेके जाया करिए, भीड़ में ऐसा सामना करना पड़े एक आध को ठोक दो,
इसी खौफ से लोग अंदर रहेंगे। पुलिस वालों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, पैर में मार दो, कहीं सेफ जगह पे मार दो, ताकि आपकी इज्जत बरकरार रहे, आपकी सेफ्टी बरकरार रहे। आप रहेंगे तो 1000 लोग बचे रहेंगे, एक आध कहीं अगर पुलिस कहीं कम पड़ गई और लोग मजे से घूम रहे हैं, तो वो जो चेन बनेगी वो फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा। उसकी फैमिली, वो भी घर जाएगा अगर उसको कुछ हो गया तो। खैर, वीडियो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा मैसेज अगर किसी को इतनी फुर्सत हो थोड़ा दूर तक पहुंचाओ कि पुलिस की सेफ्टी के लिए भी कुछ किया जाए भाई। और यही हैं तो हम लोग अभी हैं जैसे भी हैं, अगर यही कम हो जाएंगे, ऑलरेडी भर्तियाँ इतनी कम हैं, यही कम हो जाएंगे तो फिर क्या कौन कहाँ बचेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।